अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं प्री कैलकुलस में वो सेट जो है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। रियल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो मेजर पोर्शन था वो इनइक्वालिटीज का था। अच्छा, कुछ कोर्सेज में इनइक्वालिटीज में भी इतनी डिटेल में ना पढ़ाई जाए, लेकिन मसला है कि मैं मेरी जो टीचिंग है ना वो इन्वॉल्व करेगी सबसे पहली बात पाकिस्तानी बच्चों में कि पाकिस्तानी बच्चों के क्या क्या कॉन्सेप्ट अभी तक हासिल किए, मुझे उस हिसाब से उनको पढ़ाना है। दूसरी बात, पाकिस्तान में भी अगर आप फिल्टर लगाओ तो सिंध बोर्ड की जो मैथ है, ज्यादातर मेरे टारगेट बच्चे वो हैं कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सिंध बोर्ड से कवर करके आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ए लेवल ओ लेवल अगर किसी ने किया है तो इनइक्वालिटीज का पोर्शन आता होगा उसका। इसी तरह पंजाब बोर्ड में भी है, लेकिन सिंध बोर्ड के अंदर मौजूद नहीं है था ये। तो मेरा जो टारगेटेड ऑडियंस है ना वो पाकिस्तान में सिंध बोर्ड के बच्चे हैं। तो दैट्स व्हाई जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं, मे बी आप आउटसाइड पाकिस्तान या पाकिस्तान में भी किसी ऐसे बोर्ड से देख रहे हो, आप बोलोगे सर ये तो हलवा है कैलकुलस में आप क्यों पढ़ा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो जिन स्टूडेंट्स को मैं टारगेट कर रहा हूं ना, मुझे पता है उनके कॉन्सेप्ट इस मामले में अच्छे नहीं होते। तो हमारा एक काफी बड़ा पोर्शन था इनइक्वालिटीज का, जो कि मैंने डिटेल में कवर करवाया आपको। हर किस्म की इनइक्वालिटी जो भी आ सकती है, जो भी नहीं आ सकती, वो भी मैंने आप लोगों को बताई है। फिर हमने उनकी ग्राफिंग देखी है, फिर हमने उनके फंक्शन के बारे में पढ़ाया कि किस तरीके से आपने ड्रॉ करना होता है। फिर एक छोटा सा टॉपिक इंटरवल था, जो कि हर जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन में आप यूज कर रहे थे। दो वेरिएबल के अंदर इनइक्वालिटी, एक वेरिएबल की इनइक्वालिटी डिटेल में कंप्लीट करवाई है हमने। इसके बाद जो हमारा पोर्शन होगा वो फंक्शंस का पोर्शन, सॉरी इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हम एक लेक्चर में करेंगे। उसके बाद फंक्शन का एक बड़ा पोर्शन जो है वो होगा। उसके बाद जो बड़ा और आखिरी पोर्शन होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। और फिर इंशाल्लाह हम कैलकुलस पे आ जाएंगे, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, जिससे पहले थोड़ा लिमिट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा जी, तो आज की क्लास में फिर हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हमने क्या करना है, जो थॉमस कैलकुलस की बुक है ना, जो मैं पार्शली फॉलो करवा रहा हूँ सीक्वेंस, उसके हिसाब से मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। कंप्लीटली फॉलो नहीं करवा रहा, वरना आप लोगों के टॉपिक इनइक्वालिटीज के वहां पे इतने नहीं मिलेंगे, आपको बेसिक इनइक्वालिटीज ही मिलेंगे वहां पे। तो मतलब हर जगह से मैंने जमा किया है, लेकिन जो मेन बुक है जिसको हल्का फुल्का मैं फॉलो कर रहा हूँ वो थॉमस कैलकुलस है, जो बच्चों के लिए समझना भी थोड़ा इजी होता है। तो उसके जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ना, अगर आप इनइक्वालिटीज में जाओ तो वहां पे कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम है जो आप लोगों को मसला कर सकते हैं। तो उनके मुझे कॉन्सेप्ट देने कि जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी तक डिस्कस नहीं किए, मैं उनके अंदर डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। थॉमस कैलकुलस मेरे मोबाइल के अंदर है, 11th एडिशन है, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा गूगल पे। इसका पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 8 है, नहीं पेज नंबर आगे 7 है इसका, हाँ पेज नंबर 7 है इसका। और एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो मैं सॉल्व करवाने लगा हूं। अब जरा देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को उन्होंने बताया है कि इफ 2 ये सिचुएशन लिखी है, मतलब आपको बताया हुआ कंडीशन क्या गिवन है कि अगर x 2 और 6 के दरमियान है, ना 2 के बराबर है ना 6 के बराबर है, 2 और 6 के दरमियान है, उसमें सारी रियल वैल्यूज आ सकती हैं। अगर आप इंटीजर वैल्यूज देखो तो 3, 4, 5 आ रही है, लेकिन रियल सब आ जाएंगे, 2.1, 2.4, अच्छा इसके अंदर जो पाई है वो भी आ जाएगा, इसी तरह रूट थ्री और रूट टू नहीं आ सकते इसके अंदर, रूट 5 या रूट 6 जो है। कहने का मतलब ये कि 2 और 6 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज है ना, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो, सब रियल वैल्यूज इसमें एक्स की वैल्यूज है, बस एक्स जो है वो 2 के बराबर नहीं है और x 6 के बराबर नहीं है, 2 और 6 के दरमियान कुछ भी है। तो उन्होंने ये आपको कंडीशन दी हुई है कि एक्स की रेंज आपको पूरी दी हुई है। उसके बाद आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स आर नेसेसरीली ट्रू एंड विच आर नॉट, वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लाजमी ट्रू होगी और कौन सी है वो ट्रू नहीं होगी। अब जरा देखते हैं। सबसे पहली बात, जो पार्ट ए में लिखा हुआ उन्होंने, पार्ट ए में स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि एक्स जो है वो 0 और 4 के दरमियान है, ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया था एक्स एक सेट ऑफ वैल्यूज है जो 2 और 6 के दरमियान आती हैं। अगर आप इसको देखो, ये मुझे क्या बता रही है, मुझे बता रही है कि एक्स सेट ऑफ वैल्यूज है जो 0 और 4 के दरमियान आती हैं। सेंस ही नहीं बना रहा, क्यों, कितनी वैल्यूज तो ये पार्ट ए खा गया। फॉर एग्जाम्पल इस इनइक्वालिटी में आपका 5 मौजूद था, जो सवाल में गिवन थी उसमें 5 मौजूद था, लेकिन इसमें तो 5 मौजूद नहीं है। उस वाली इनइक्वालिटी में आपका 5.5 मौजूद था, 5.9 मौजूद था, 4.2 मौजूद था, लेकिन नीचे वाली इनइक्वालिटी में एक्स की कोई वैल्यू यहां पर इंक्लूड नहीं है। तो दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि एक्स 0 और 4 के दरमियान नहीं है, 4 से बड़ा भी हो सकता है, बल्कि है 4 से बड़ा है। ऊपर वाली स्टेटमेंट मुझे क्या कह रही है कि 4 से बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, बस 6 से छोटा है। तो दैट्स वाई जो ऑप्शन नंबर ए है ये यहां पे क्या होगा, फॉल्स होगा। तो मैं एफ लिख देता हूं यहां पे। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी में उन्होंने क्या बोला है कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है भाई, आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं ट्रू लिख देता हूं,
अब मैं आगे रीजन बता रहा हूं कि क्यों ट्रू है ये। ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसको हम कंसीडर करते हैं। अभी मैंने बस कंसीडर किया, कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आप यहां पे देखो x के साथ माइनस टू आया हुआ है, तो आप कंपाउंड इनइक्वालिटी में हर जगह माइनस टू को ऐड करवा दो। यहां पे जब माइनस टू को ऐड करवाओगे, मैं अभी चलो सॉल्व नहीं करता, मैं बस ऐड करवा रहा हूं, हर जगह मैंने माइनस टू को ऐड करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पे आ जाएगा जीरो, यहां पे आ जाएगा x माइनस टू, और सिक्स माइनस टू क्या होता है, फोर के बराबर। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, यही चीज आपको गिवन थी। तो जो x है ना, वो टू और सिक्स के दरमियान है, लेकिन जो x माइनस टू होगा वो जीरो और फोर के दरमियान होगा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास पार्ट सी में उन्होंने बोला है कि x अपॉन टू इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन थ्री। क्या स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कैसे पता चला मुझे ठीक है? क्योंकि थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, आपको नजर आ रहा है x के नीचे टू आया हुआ है, तो आप क्या करो, इस कंपाउंड इनइक्वालिटी को कंसीडर करो और बस आपने किसी तरह x के नीचे 2 लाना है। मेरे ख्याल में आप लोग सब मुझसे ज्यादा मैथ जानते हो कि यार x के नीचे 2 कैसे आएगा, पूरी कंपाउंड इनइक्वालिटी को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो हर जगह 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, यहां पे 1 बचेगा, ये x अपॉन 2 है, यहां पे 3 बचेगा, और यही चीज उन्होंने यहां पे लिखी भी थी, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। तो असल में जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी ना, उसी को आपने थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखना है। अब वो डिफरेंट फॉर्म यहां पे ठीक है नहीं है वो आप चेक करोगे, वो हर पार्ट में आप चेक करोगे इसी तरीके से। अब आज ऑप्शन नंबर डी पे, यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को देना है। देखा भाई, वन अपॉन एक्स जो है वो ग्रेटर है वन अपॉन सिक्स से एंड लेस है वन अपॉन टू से। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? जहां तक मुझे याद है, मैंने आंसर चेक किया था ठीक है, बाकी हम जरा करके देख लेते हैं। मुझे जहां तक याद पड़ रहा है ठीक है ये, बाकी जरा हम करते हैं। अब इसको आपने सॉल्व किस तरह करना है, याद रखो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया था जब मैंने इनइक्वालिटीज के बारे में आप लोगों को बताया था, तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी इनइक्वालिटीज की। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताई थी, वो ये थी कि फॉर एग्जांपल अगर ए इज ग्रेटर देन बी है और ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों नेगेटिव के अंदर भी वैलिड है, आई गेस दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो ये बात वैलिड है, मैं वेरीफाई करके भी देख लेता हूं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टू इज ग्रेटर देन वन, दोनों पॉजिटिव नंबर है और टू जो है वो ग्रेटर है वन के, जब आप इनके रेसिप्रोकल करोगे तो तब ये साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर थोड़ा चेंज करता हूं आप लोगों को देखने में फर्क पता चले, यहां पे थ्री कर लेते हैं, यहां पे टू कर लेते हैं। तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे, थ्री का रेसिप्रोकल वन अपॉइंट थ्री, टू का रेसिप्रोकल वन अपॉइंट टू, अब वन अपॉइंट थ्री तो 0.3 होता है समथिंग, 0.333, और वन अपॉइंट टू 0.5 होता है, तो वन अपॉइंट टू तो ग्रेटर होता है वन अपॉइंट थ्री से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यही साइन रखोगे तो साइन के मुताबिक वन अपॉइंट थ्री ग्रेटर है, जो कि आपको पता गलत बात है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी दो पॉजिटिव नंबर हो आप उनको रेसिप्रोकल करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। हम जरा नेगेटिव के अंदर भी देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल माइनस फोर जो है वो लेस होता है माइनस थ्री से, क्योंकि नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा लगता है उतना छोटा होता है, तो माइनस फोर छोटा है माइनस थ्री से। हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट फोर, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट थ्री, माइनस वन अपॉइंट फोर होगा माइनस 0.25 और माइनस ये हो जाएगा माइनस 0.33 राउंड ऑफ करके 34। अब देखो छोटा नंबर कौन सा है, दिखने में छोटा नंबर कौन सा लग रहा है ये, लेकिन आपको पता है जो माइनस दिखने में नेगेटिव छोटा नंबर है वो बड़ा होता है, माइनस 0.25 बड़ा है माइनस 0.334 से। अगर इसमें कंफ्यूज होता है नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन में सबसे पहले जीरो आता है, उसके बाद माइनस 0.25 आएगा, उसके बाद कहीं जाके माइनस 0.33 आएगा, फिर माइनस 0.4 माइनस 0.5 इस तरह जाओगे ना, तो डेफिनेटली माइनस 0.25 जो है वो एक बड़ा नंबर है। तो इनइक्वालिटी ये बनती है, हालांकि आपको लेस की गिवन थी। तो कहने का मतलब जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो और आप ऐसी प्रोग्राम करते हो तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तब साइन चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 5 इज ग्रेटर देन माइनस 2, आपको पता ही है, रेसिप्रोकल करो, ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल करने से पॉजिटिव नेगेटिव तो रहेगा ना वैसे का वैसे, तो पॉजिटिव तो हमेशा ग्रेटर होता है नेगेटिव से, तो अगर 5 ग्रेटर है माइनस 2 से तो इनके रेसिप्रोकल भी क्या होगा, 1/5 भी ग्रेटर होगा माइनस 1/2 से। तो जब दोनों के साइन चेंज हो तो तब आप रेसिप्रोकल करो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अब यही कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पे आप अप्लाई करो, लेकिन मैं एक मशवरा दूंगा, वो मशवरा ये है कि देखो हर एग्जांपल जो है वो डिफरेंट होती है, मैं आप लोगों को वो तरीका बताता हूं जो हर जगह वैलिड है। जुगाड़ निकालना, ट्रिक निकालना, ये वक्ती तौर पे तो फायदा दे देती है आपको, बाद में फायदा नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश ये होती है सॉल्यूशन थोड़ा लंबा ही हो जाए बेशक, लेकिन जो असल सॉल्यूशन है वो आप करो ताकि कहीं मिस्टेक ना हो, वो सॉल्यूशन यूनिवर्सल मेथड हो पूरा,
जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई इधर मैं मशवरा आपको दूंगा कि जो कंपाउंड इनइक्वालिटी है, जब आप रेसिप्रोकल कर रहे हो तो बेहतर यह है कि आप अलग अलग रेसिप्रोकल करो, क्योंकि कहीं जगह जाके आपको मसला हो सकता है, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव आ जाए कंपाउंड में तो मसला हो सकता है। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कंपाउंड इनइक्वालिटी से डील करने में, कि आप हाफ हाफ कंसीडर कर रहे होते हो, उसके बाद ही रेसिप्रोकल वाली आप टेक्निक लगा दो। तो ये इनइक्वालिटी ये है ना, ये हमें प्रूफ करनी है क्या ये ठीक है नहीं है। स्टार्ट हम यहां से करेंगे। अब यहां पे देखो x का रेसिप्रोकल हुआ हुआ है, तो इसका मतलब हमें रेसिप्रोकल करना है। तो इस वाली इनइक्वालिटी को कंसीडर करो, ठीक है, लेकिन हाफ कंसीडर करो, अभी पूरी कंसीडर ना करो वरना मसला होगा। तो सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूं कि x इज ग्रेटर देन 2, और मैं क्या करता हूं, मैं रेसिप्रोकल करता हूं। अब मुझे पता है x पॉजिटिव नंबर है, 2 के बारे में तो मुझे पता है वो पॉजिटिव ही है, लेकिन x भी पॉजिटिव ही है यहां पे, क्योंकि x 2 और 6 के दरमियान है, 2 और 6 के दरमियान सारे पॉजिटिव होते हैं। तो कहने का मतलब है दोनों नंबर यहां पे पॉजिटिव है। तो जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये हो गया। अभी हाफ हाफ आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको इशू कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह अब आप कंसीडर करो दूसरा वाला हाफ, कि x इज लेस देन 6, दोनों पॉजिटिव नंबर है, दैट्स व्हाई आप रेसिप्रोकल करो, साइन चेंज करना पड़ेगा, ये सिचुएशन हो जाएगी। अब आप इसको और इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन x लेस है 1 अपॉन 2 से, ये है 1 अपॉन x ग्रेटर है 1 अपॉन 6 से। तो कंपाउंड फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, कि 1 अपॉन x जो है वो ग्रेटर है 1 अपॉन 6 से बट लेस है 1 अपॉन 2 से, ये इसकी कंपाउंड फॉर्म होगी। मतलब 1 अपॉन 6 आएगा 0.18 या 17 समथिंग होगा, तो 1 अपॉन x जो है वो 0.18 और 1 अपॉन 2 होता है 0.5, तो इसके दरमियान 1 अपॉन x की वैल्यूज होंगी, और ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहां पे लिखी हुई थी, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो जो अच्छा मेथड है, बेशक वो 2-3 स्टेप ज्यादा हो, लेकिन वही करो जो कि हर जगह वैलिड हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ पार्ट नंबर ई के ऊपर, उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि 6 अपॉन x जो है वो ग्रेटर है 1 से बट लेस है 3 से, ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, देख लेते हैं कैसे ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट आप ऊपर आपने देखा हुआ था, क्योंकि देखो अगेन वो एक्स रेसिप्रोकल वाला सीन है ना, तो रेसिप्रोकल तो आपने करना है, मतलब यहां तक आपने लाना है अपनी इनइक्वालिटी को, बेहतर है यहां तक आप लाओगे, या ऊपर एटलीस्ट में लाया हूं यहीं तक, तो एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं, वरना ये पार्ट करने के लिए कुछ स्टेप मिस भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है कि मैंने ऑलरेडी किया है। तो उसी से आगे मैं चलता हूं, मुझे पता है कि 1/6 मतलब 1/x जो है वो ग्रेटर है 1/6 से और लेस है 1/2 से, इसी के अंदर मैं मॉडिफिकेशन करता हूं। क्या करूंगा मॉडिफिकेशन, मुझे यहां पे देखो 6 नजर आ रहा है, तो मैं पूरी इनइक्वालिटी को, जो कंपाउंड इनइक्वालिटी है, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। आप पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड करवाओ, मल्टीप्लाई करवाओ, ऐड करवाओ, सब्ट्रैक्ट करवाओ, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, आपकी मर्जी है जो करना करो, लेकिन मुझे चाहिए ऊपर 6, तो 6 मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे 6/6 1, इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाओ 6/x, इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाओ 6/2 3, तो आप देखो एग्जैक्टली वो चीज ट्रू होगी, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है आपकी। उसके बाद लिखी हुई है एफ स्टेटमेंट, एफ में आपको बोला हुआ है कि एक्स माइनस 4 इज लेस देन 2। इस स्टेटमेंट को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं सिंपल लैंग्वेज में, तो लिख सकता हूं बिल्कुल ट्रू है ये, कैसे, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो इस वाली स्टेटमेंट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, इसको सॉल्व हम किस तरीके से करते हैं। अब ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इनक्वालिटी जो है उसको सॉल्व हम किस तरह करते थे, अगर लेस वाली लिखी हुई है तो मैं वहां पे क्या करता था, मैं जो नंबर 2 है एक दफा नेगेटिव लिखो एक दफा पॉजिटिव लिखो और दरमियान में x माइनस 4 लिखो, ये मैंने आप लोगों के एब्सोल्यूट में कॉन्सेप्ट दिया था, तो वहीं पे जाके आप लोग देखेंगे। अब मुझे देखो x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैं समय बताना चाह रहा हूं कि ये वाली चीज जो है ये इक्विवेलेंट है इसके। नॉर्मली ये होता है कि आप यहां से स्टार्ट करते थे यहां पे लाते थे, लेकिन मुझे यहां पे आसानी है कि मैं इसको सॉल्व करके इसमें कन्वर्ट कर दूं, बात तो एक ही है, कान इस तरह पकड़ो यूं पकड़ो, पकड़ना तो वही कान है। तो आप क्या करो यहां पे इसको जरा सॉल्व करो, माइनस 4 है ना, आप दोनों तरफ 4 को ऐड करवा दो, यहां पे 4 को ऐड करवाओ 2 आएगा, यहां पे 4 को ऐड करवाओ x आएगा, यहां पे 4 को ऐड करवाओ 6 आएगा, वही चीज जो ऊपर लिखी हुई थी वो स्टेटमेंट आ गई है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, दिखने में आपको डिफरेंट लगेंगी बस। अच्छा जी, उसके बाद जी पे आ जाओ, जी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि -6 लेस है माइनस एक्स से और एक्स जो है वो लेस है 2 से। इसे पढ़ने का तरीका ये होता है कि माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 6 एंड लेस देन 2, एक्स के रेफरेंस से पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है जहां तक मुझे याद है, करके देख लेते हैं। अब आपको देखो एक्स के साथ नेगेटिव नजर आ रहा है, तो समझ जाओ कि भाई एक्स के साथ नेगेटिव लाना है, तो ये स्टेटमेंट है। अब जरा आप एक्स के साथ नेगेटिव लाओ, आपको ये याद होगा
जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब इसको आप हाफ हाफ में करने की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट चीज है, क्योंकि जो रेसिप्रोकल वाली चीज थी ना वो वैलिड थी कुछ सिचुएशन में, कि भाई अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है या दोनों नंबर नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करोगे साइन चेंज होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो साइन चेंज नहीं होगा, तो वो कंडीशन पर डिपेंड कर रही होती थी। दैट्स व्हाई मैंने कहा था अलग अलग करो तो बेहतर है। ये किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रही, आपके पास कुछ भी नंबर हो, कोई भी चीज मौजूद हो, अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं, साइन चेंज करने पड़ेंगे जितने भी इनइक्वालिटी के मौजूद हैं, और साथ साथ नेगेटिव आ जाएगा हर एक के साथ। तो तीनों के साथ नेगेटिव आ गया, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो गए। मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटी में बताया था तरीका गलत है, गलत नहीं है, मतलब हम प्रेफर नहीं करते इस तरह लिखना। तो बेस्ट तरीका क्या होगा इसी चीज को लिखने का, ये तरीका, ये मैं और करके लिख रहा हूं, यही चीज है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि -6 को मैं बदल ले आऊं इस तरह। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था -x जो है वो ग्रेटर है -6 से और लेस है -2 से, वही तो चीज है, -x ग्रेटर है -6 से और लेस है -2 से, लेकिन इस तरह हमें थोड़ा अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अब फर्क यहां पे ये है कि यहां पे -2 है और यहां पे 2 है। अब जरा देखो स्टेटमेंट को फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, जरा उसको हम देखते हैं। जैसे यहां पे स्टेटमेंट में फर्क पड़ रहा था, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, ये वाली में 5 इंक्लूड था, इसमें 5 इंक्लूड नहीं था, तो टोटली चेंज कर दी थी आपने बात। यहां पे लिखा हुआ है कि -x जो है वो -2 से कम है। अब -2 से कम का मतलब क्या है, -2.5 होगा, -2.3 होगा, -2.9 होगा, -3 होगा, -3.5, -4, -5 ही होगा ना, -2 से कम और -6 से ग्रेटर। अगर मैं यहां पे -2 की जगह सिर्फ 2 लिख दूं तो क्या मैंने कुछ चेंजिंग की है, जो -x की वैल्यूज थी -2.1, -2.5, -2.9 जो भी थी, -3, -4, क्या वो इसके अंदर नहीं आ रही, इसके अंदर भी आ रही है। तो इसका मतलब मैंने कुछ चेंजिंग नहीं की, मैं 2 की जगह यहां पे 6 भी लिख सकता हूं। मुझे पता है -x की सारी वैल्यूज इस इनइक्वालिटीज में आ रही है, -x कहां से लेके कहां तक था, -2 और -6, अगर नंबर लाइन पे बनाओ ये था, इसके दरमियान था, ओपन डॉट लगा रहा हूं, ये था दरमियान में। तो क्या इस इनइक्वालिटी का मतलब अलग हो गया क्या, बेशक आपने यहां पे 2 लिख दी है लेकिन एक्स की वैल्यूज तो आपने कोई नहीं खाई ना, बात तो बिल्कुल ठीक है अभी भी। तो इसका मतलब ये वाले स्टेटमेंट भी यहां पे ठीक है, क्या आप -2 की जगह 2 लिख दो तब भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है, आपने कोई वैल्यूज नहीं खाई यहां पे, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, आपकी स्टेटमेंट ट्रू साबित हो गई है। अच्छा अब आ जाओ आखिरी पार्ट के ऊपर, और आखिरी पार्ट जो है एग्जैक्ट बचो यही है, मतलब इसके साथ -2 लगा दो, मतलब जो हमने पहले प्रूफ किया था ना एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है कि -x जो है वो ग्रेटर है -6 के और लेस है -2 से, मतलब पार्ट जो जी है उसमें उन्होंने यहां पे 2 की जगह -2 की जगह 2 लिख दिया था, पार्ट एच जो है उसमें यहां पे -2 ही रहने दिए। तो -2 हो तब भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है, और अगर 2 हो तब भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो एच पार्ट जो है तो आप लोग आसानी से कर लोगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है थॉमस कैलकुलस की बुक में, वो हमने कर ली है, आई गेस मैंने अपने पास लिखा हुआ है, इसके बाद मुझे क्या करवाना है आपको 44 करवाना है, 44 में कोई ना कोई इशू होगा, हाँ 44 देख लेते हैं। अब अगर आप 44 की बात करो तो 44 में लिखा हुआ है कि आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहां पे इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर रहे, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जरा देखते हैं क्या करना है हमें, एक सेकेंड हल्की सी लाइन मैच नहीं कर रही ना, खैर जो भी है, यहां पे लिखा हुआ है कि आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है x माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है 1 माइनस एक्स के। तो सॉल्व करने का मतलब ऐसी कौन सी एक्स वैल्यूज है जो मैं यहां पे पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर आ जाए। अब इसको सॉल्व आप किस तरीके से करोगे, देखो बेस्ट और इजी तरीका इसको सॉल्व करने का यह है कि आपको पता है कि एक मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन अभी तक डिटेल में मैंने नहीं बताया, फंक्शन के पोर्शन में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं चीजें उसकी, कि यार मॉडुलस फंक्शन को लिखते हैं हम इस तरह है, इस तरह, ठीक है, और ये दो फंक्शन के बराबर होता है, ये जो मॉड एक्स है ये एक्स के बराबर भी होता है माइनस एक्स के बराबर भी होता है, एक्स के बराबर उस वक्त होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0, और माइनस एक्स के बराबर होता है जब 0। दोबारा मैं एग्जांपल देकर बताता हूं आपको मजीद बात समझ आए, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे पुट करूं मॉड ऑफ 5, मतलब मैंने एक्स यहां पे क्या पुट किया है, ये मेरी पूरी एक्स वैल्यू है, एक्स मैंने पुट किया है 5, क्या मेरा एक्स ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल मेरा एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड का आंसर क्या होना चाहिए, मॉड का आंसर एक्स होना चाहिए। तो जो आपने वैल्यू पुट की थी, जो x आपने 5 पुट किया था, आंसर में आपको एग्जैक्ट 5 मतलब वही x वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। बिलफर्ज अगर मैं मॉड के अंदर पुट करता हूं -5, अब मैंने x क्या पुट किया, मैंने x पुट किया -5, मतलब x जो है वो लेस देन 0 है। तो जब मेरा x लेस देन 0 होगा तो मेरा मॉड फंक्शन किसके बराबर होगा, मेरा मॉड फंक्शन बराबर होगा -x के, ठीक है, और x यहां पे क्या पुट किया था -5,
तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे पॉजिटिव। तो दैट्स व्हाई आपको अगर मॉड के अंदर नेगेटिव भी हो तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी चीज को लेके आप यहां पे आओ, यहां पे लिखा हुआ मॉड एक्स माइनस वन, ये जो फंक्शन था ये मॉड एक्स का था। अगर मैं आपको बोलूं मॉड एक्स माइनस वन का आप बनाओ इसी तरह पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि बराबर है एक्स माइनस वन के और ये बराबर है माइनस एक्स माइनस वन के। होता यहां पे क्या था, मॉड एक्स है तो एक दफा जो मॉड के अंदर लिखा हुआ था उसको आप पॉजिटिव लिखते थे, एक दफा जो मॉड के अंदर होता था उसको नेगेटिव लिखते थे। तो वही मैंने यहां पे काम किए कि एक्स माइनस वन को एक दफा पॉजिटिव लिखा, एक्स माइनस वन को एक दफा नेगेटिव लिखा। अब था ये जो पीसेज है किस किस मतलब किस डोमेन में यूज करोगे आप, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे रखो। जैसे यहां पे x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 था, यहां पे क्या होगा x माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x माइनस वन इज लेस देन 0, बस ये फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है अगर आप इसको सॉल्व करो मजीद इसको हम क्लियर करते हैं, माइनस वन को उधर ले जाते हैं तो ये सिचुएशन आ जाएगी और यहां पे सिचुएशन आ जाएगी। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा तो आप मॉड x माइनस वन की वैल्यू को क्या लिखोगे x माइनस वन, और जब x लेस देन 1 होगा तो आप मॉड x माइनस वन की वैल्यू को क्या लिखोगे माइनस मल्टीप्लाई x माइनस वन। ये असल में आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो यही काम करो, ये जो मॉड x वन है इसके दो केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस बनेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके बराबर होगी, ये x माइनस वन के बराबर होगी, लेकिन कौन से x वैल्यूज पे, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तो ये मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस वन के बराबर हो जाएगी। इसी तरह ये जो मॉड x माइनस वन है इसकी वैल्यू होगी माइनस x माइनस वन के कब, जब x आपका लेस देन 1 होगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं, राइट हैंड साइड तो मसला नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इस वाले केस में इसके बराबर होगी, इस वाले केस में माइनस मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन के बराबर होगी। राइट हैंड साइड तो दोनों केसेस में सेम ही है ना। अब ये आपके पास सिंपल दो इक्वेशंस है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे माइनस एक्स को उधर ले आओ 2x, माइनस वन को उधर ले जाओ, एक्स की वैल्यू यहां से 1 आ गई है। अब जरा ऑब्जर्व करो क्या ये एक्स की वैल्यू यहां पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों, यहां पर जो भी एक्स आना चाहिए था वो इस वाली चीज को सेटिस्फाई लाजमी करना चाहिए था। तो यहां पे जो भी x वैल्यू लिखोगे वो इसको लाजमी सेटिस्फाई कर रही होगी, वरना तो सेंस नहीं बनेगी ना। इसका मतलब क्या था कि x 1 से ग्रेटर हो सकता था या x 1 के इक्वल भी हो सकता था। हमारा आंसर आ रहा है कि x 1 के इक्वल है तो बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर हमारा आंसर आ रहा होता x इज इक्वल टू माइनस 1 तो हम कहते भाई इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली चीज कह रही है कि भाई 1 से ग्रेटर होना चाहिए, नीचे वाली चीज कह रही है कि माइनस 1 है, सेंस नहीं बनाती थी। लेकिन ये जो आंसर है ये इस वाली स्टेटमेंट को गलत साबित नहीं कर रहा, इस स्टेटमेंट को मान रहा अपनी जगह पे। तो दैट्स व्हाई इस वाली वैल्यू को आप अपने पास कंसीडर रखो, ये आपके सॉल्यूशन में आएगी। अब आप जरा इसको सॉल्व करो, हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। जब भी याद रखो आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और वेरिएबल कैंसिल हो जाए, दो केसेस बनते हैं, वेरिएबल कैंसिल हो लेकिन आपकी स्टेटमेंट गलत आ रही हो तो इसका मतलब वहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको सॉल्व करते हो यहां पे 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा, अब आपको पता है 1 2 के बराबर तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यहां पे कोई भी x वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही होती। जब भी आप वेरिएबल आपके कैंसिल हो गए ना और स्टेटमेंट आपकी गलत आ गई, इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब आपके वेरिएबल कैंसिल हो जाए और इक्वेशन आपकी ठीक है 1 इज इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन आपसे कह रही है कि x कुछ भी पुट कर लो, मैंने सेटिस्फाई करनी करनी है इक्वेशन। अब x यहां पे आप कुछ भी पुट करोगे इक्वेशन आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो कहने का मतलब ये वाला सॉल्यूशन मुझे क्या दे रहा है कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, लेकिन मैंने ऊपर वाली रिस्ट्रिक्शन को भी देखना है। ऊपर वाली रिस्ट्रिक्शन मुझे क्या कह रही थी कि x 1 से कम कम होना चाहिए, नीचे वाली कह रही है कि भाई कुछ भी रियल हो जाए। तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, इनका इंटरसेक्शन है वही 1 से कम कम, क्योंकि इसका मतलब तो सारे रियल नंबर है जबकि इसका मतलब है 1 से कम कम, ये वाला। तो दैट्स व्हाई जो इंटरसेक्शन है ये हम कंसीडर करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा माइनस इनफिनिटी से लेके 1। 1 से कम को आप इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखोगे, माइनस इनफिनिटी से लेके 1। तो अब चूंकि ये इक्वेशन के दोनों आपने सॉल्व कर लिए ना, अब इन दोनों सॉल्यूशन को एक साथ लिख दो। यहां पे 1 से लेके माइनस इनफिनिटी था, यहां पे 1 शामिल हो रहा था, तो अगर आप कंबाइन लिखो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस इनफिनिटी से लेके 1 और मैं यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूं, ये असल इसका सॉल्यूशन है। मजीद वेरीफाई करना है आपने तो पुट करके देख लो। कहने का मतलब ये है कि आप इस इक्वेशन में अगर 1 से ग्रेटर कुछ पुट करोगे तो ये इक्वेशन ठीक नहीं होगी, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पुट करते हैं,
यहाँ पे मैं टू पुट करूंगा, टू माइनस वन क्या होता है, वन के बराबर, वन ही होगा इस तरह। और यहाँ पे टू पुट करूंगा, वन माइनस टू क्या होता है, माइनस वन के बराबर। तो वन इज इक्वल टू माइनस वन, नहीं इसका मतलब टू पे आपके स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अच्छा एक तो इनके सॉल्यूशन होते हैं ना, अगर ये सवाल अगर आपके एमसीक्यूज में आ रहा है तो आपको इतनी लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है। आप एमसीक्यूज देखोगे, आप देखोगे यार कौन सी जो डोमेन है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एमसीक्यूज नहीं होते वैसे भी फिर आप तुक्के मार के भी देख लो कि वन से ग्रेटर सेटिस्फाई कर रही है वन से, वो तुक्का मारने का सीन होगा, करेक्ट मेथड इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब वन पुट करोगे तो आपकी स्टेटमेंट ठीक होगी, दोनों तरफ जीरो आ रहा होगा, और वन से कम कुछ भी पुट करोगे आपकी स्टेटमेंट ठीक होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं माइनस टू पुट करता हूँ, यहाँ पे माइनस टू पुट करूंगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, मॉड वैल्यू होगी थ्री, और यहाँ पे माइनस टू पुट करूंगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, यहाँ पे भी थ्री, थ्री इज इक्वल टू थ्री। तो कहने का मतलब वन या वन से कम जितनी भी वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। मेथड भी डिस्कस कर लिया, कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमने जो करना है क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 ग्राफिंग से रिलेटेड है और एक अच्छा सवाल है, जरा देख लेते हैं इसको भी। आपको ग्राफ करना है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन और इक्वल टू वन, इसको आपने प्लॉट करना है। सबसे पहले भूल जाओ इनइक्वालिटी आपको गिवन क्या है, इग्नोर कर दो इसको, आप इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करो इसको, जो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है ना जरा उसको प्लॉट करो और देखो उसका ग्राफ किस तरह बन रहा है। बाद में हम देख लेंगे भाई किसको शेड करना है, जब लेस या ग्रेटर की बात की जाए इसका मतलब अब आपका सॉल्यूशन शेडेड होता है, वो तो बाद में देख लेंगे। पहले आप देखो ये बनेगी कैसे इक्वेशन, पहले इस इक्वेशन से तो हम डील कर लेना, बाकी बातें बाद में देखेंगे। अब इस इक्वेशन के केसेस बनेंगे क्यों, मॉड आ गया यहां पे, अब मॉड का मतलब ये होता है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव कहां पे किसके बराबर है ये आपको देखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप बना लो एक अदद, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, चार क्वाड्रेंट में आपका डिवाइड होता है जो कार्टेशियन प्लेन है। अब इसमें आपको पता है ये बात कि जो भी लाइन यहां पे होती है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो होते हैं, इसमें एक्स लेस होता है लेकिन वाई ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें x पॉजिटिव होता है और y जो है वो नेगेटिव होता है, यहां पे डिवाइड कर लिया। अब ये जो मॉड है ना, ये जो ग्राफ है ये चारों क्वाड्रेंट से पास हो रहा होगा, तो चारों क्वाड्रेंट में आप ये देख रहे हैं कि वो इन बातों को सेटिस्फाई करे, मॉड की जो बेसिक बातें उनको सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल जब ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो आपको पता है x और y पॉजिटिव है, अगर मैं ये वही बात है मॉडुलस फंक्शन की, मैं आपको वो पीस वाइज फॉर्म बताऊं, ये थी ना x ग्रेटर देन जीरो और यहां पे था x लेस देन जीरो, और y का भी लिख लेते हैं कि ये y के बराबर होगा माइनस y के बराबर होगा वही जब y ग्रेटर देन जीरो और यहां पे होगा y लेस देन जीरो। अब मुझे बताओ पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है ना, तो जब x पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड x किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी इक्वेशन क्या होगी, मैं जरा इक्वेशन लिख रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी इक्वेशन मॉड x जो है वो x के बराबर होगा क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मॉड x जब x ग्रेटर देन जीरो हो तो किसके बराबर होता है, जस्ट x के बराबर होता है। और इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में y जो है वो भी पॉजिटिव है, तो जब y पॉजिटिव हो तो मॉड y किसके बराबर होता है, y के बराबर, तो जस्ट मॉड y की जगह y लिख दो इक्वल टू 1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस लाइन को ड्रॉ करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस लाइन को आप ड्रॉ करो। तो अब अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओ, आप असल में देखना चाह रहे हो ना हर क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ नहीं है ना इसका, अलग अलग होगा क्योंकि मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन हर क्वाड्रेंट में डिफरेंट तरीके से बिहेव हो रहा होता है। तो यहां पे बाद में देखना है कि इस क्वाड्रेंट में एक्स वैल्यूज क्या है, लेस देन जीरो, जब एक्स वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो मॉड एक्स किसके बराबर होते हैं, माइनस एक्स के बराबर होते हैं, तो आप क्या करोगे इस मॉड एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस एक्स, और वाई तो पॉजिटिव ही है तो जब वाई पॉजिटिव होता है तो मॉड वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई के बराबर ही होती है, इज इक्वल टू वन। थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो दोनों नेगेटिव है तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है तो एक्स वाई नेगेटिव है तो मॉड वाई हो जाएगा माइनस वाई के, ये हो जाएगा। अब ये आपने चारों क्वाड्रेंट में इक्वेशन निकाल ली, अब आप इनको चारों क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दो। अब जरा ड्रॉ करके देखते हैं ये स्ट्रेट लाइन जो है इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा, सिंपल इंटरसेप्ट निकालो, यहां पे जो असल चीज है कि आपको एक्स इंटरसेप्ट वन और माइनस वन इसको ड्रॉ कर लो, y इंटरसेप्ट वन और माइनस वन इसको ड्रॉ कर लो, यही यहां पे काम आएंगे, तो वन
माइनस वन, वन माइनस वन। तो अब पहले क्वाड्रेंट में आपकी इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, एक्स इंटरसेप्ट भी वन है, अगर आप निकालो y को जीरो पुट करो x इंटरसेप्ट वन आ रहा है और y इंटरसेप्ट भी वन है, इसका मतलब आपकी लाइन क्या होगी, आपकी लाइन इस तरह होगी, y इंटरसेप्ट भी वन x इंटरसेप्ट भी वन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी लाइन इस तरह होगी। अब अगर यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती ना फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट की, तो लाइन तो आपकी इनफाइनाइट होती है, लेकिन हमें रिस्ट्रिक्शन मिली है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको इंस्ट्रक्शन क्या मिली है कि एक्स इंटरसेप्ट है माइनस वन और वाई इंटरसेप्ट है वन, तो एक्स इंटरसेप्ट माइनस वन वाई इंटरसेप्ट वन, तो आप इस टाइप की लाइन बना दोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि एक्स इंटरसेप्ट भी माइनस वन है वाई इंटरसेप्ट भी माइनस वन है, तो आप इस टाइप की एक्स और वाई इंटरसेप्ट माइनस वन आ गए। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको इंस्ट्रक्शन मिली है कि एक्स पॉजिटिव है, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट जो है वो वन है, वाई इंटरसेप्ट माइनस वन है, तो वाई इंटरसेप्ट माइनस वन एक्स इंटरसेप्ट वन, ये आपका ग्राफ बन गया। ये है आपका रिक्वायर्ड ग्राफ अगर आपको बोला जाता कि आप ड्रॉ करो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू वन का ग्राफ, तो ये उसका ग्राफ है। ये वही बात है कि अगर आप पीस वाइज फंक्शन को ड्रॉ करते हो ना, जैसे मॉड फंक्शन का ग्राफ अगर आप देखो तो ग्राफ इस टाइप का है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह है, सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरीके से, आप अलग अलग पीसेस यूज कर रहे होते हो, आप देख रहे होते हो कि यार ये वाला जो पूरी स्ट्रेट लाइन है ये कब वैलिड है, ये वैलिड है जब x पॉजिटिव हो, तो आप बस जब x पॉजिटिव होता है तब ये ड्रॉ करते हो, हालांकि लाइन को तो कोई रोकने वाला नहीं है, वो तो जाती रहती है इनफाइनाइट, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ना हो तो वो रुक जाती है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में आपने बोला कि जब x लेस देन जीरो हो, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में, तो क्या करना है आपने, इस तरह बना रहे हो क्या, वही कॉन्सेप्ट आपने यहां पे यूज करना होगा। बस अब आपको जो ड्रॉ करनी है ना वो इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है, इनइक्वालिटी में डेफिनेटली आप शेड करते हो, अब अगर लेस वाली है तो आप वही काम करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप मैं अब इसको इनइक्वालिटी में तब्दील करूं ना, तो ये इस तरह तब्दील होगी कि यहां पे लेस देन और इक्वल टू वन, लेस देन और इक्वल टू वन, इसी तरह लेस देन और इक्वल टू वन, लेस देन और इक्वल टू वन। अब जरा आप इसको सॉल्व करके देख लो, जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, मतलब इसके नीचे जो रीजन होगा वो रीजन क्या होगा, जब आप इस एक्स प्लस वाई लेस देन वन को करोगे तो ये थी ना इसके नीचे वाला रीजन, इसके नीचे वाला पूरा रीजन नीचे तक जाता रहेगा, लेकिन अगेन वही मैंने बात बोली है कि रिस्ट्रिक्शन यहां पे है तो देख के आपने करना होगा। इसकी अगर आप बात करो, इसका भी लेस वाला रीजन है, तो इसका रीजन ये है। अच्छा इस वाली की बात करो तो ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा एक चीज ध्यान में रखना जो मैंने यहां पर इग्नोर की है बात, वो ये है कि जब आपकी स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में होती है ना, तो लेस से आप जज नहीं कर सकते, आपको एक और मेथड लगाना पड़ता है, तो मेथड लगाएंगे तो आंसर यही आएगा, लेकिन वो मेथड मैंने स्किप किया है, तो गलती है मेरी, वो मेथड आपको लगाना पड़ेगा, आप सिर्फ लेस देन से जज नहीं कर सकते। हाँ अगर आपकी इक्वेशन वाई की फॉर्म में है तब आप जज कर सकते हो, तो आप क्या मेथड मैंने आपको बताया था, आप जस्ट ओरिजिन पुट करके देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी बात करो ना, तो आप जस्ट ओरिजिन पुट करके देखो और देखो क्या ओरिजिन इसमें सॉल्यूशन है या नहीं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो जीरो, आप एक्स की जगह जीरो वाई की जगह जीरो, जीरो इज लेस देन वन, सही बात है, जीरो वन से लेस होता है, इसका मतलब लेस वाला ओरिजिन आपने यहाँ पे शेड किया। इसी तरह यहां पर ओरिजिन पुट करो, अभी भी ओरिजिन लेस देन वन होता है, तो ये वाला ओरिजिन शेड होगा। अब अगर यहां पे देखो अगेन ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अब अगर आप इस इनइक्वालिटी की बात करो, इसके नीचे ओरिजिन है या ऊपर ओरिजिन है, इसके ऊपर ओरिजिन है, तो अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला ओरिजिन होगा, यहां पे जो ओरिजिन आपने कॉमन वाला देखना है, तो ये नीचे तक जा रहे होते हैं, लेकिन आपने कॉमन देखना है, यहां पे कॉमन क्या है। इसी तरह इसकी बात करो, अगेन ओरिजिन इसका सॉल्यूशन है, ओरिजिन इसके ऊपर है, तो यहां पे भी काम करोगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे दरमियान का जितना भी रीजन है, जो इस डायमंड शेप आप कह लो इस शेप में आ रहा है, डायमंड शेप तो नहीं होगी, परफेक्ट स्क्वायर है आई गेस, जो भी है, तो ये जो पूरा दरमियान का रीजन है वो यहां पे सॉल्यूशन है। यहां आप इसके अंदर कोई भी पॉइंट पिक कर लो, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और अगर मजीद आपको तसल्ली करनी है आप कर लो तसल्ली, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 0.5 वैल्यू ले लो, 0.5 और यहां पे 0.5, मतलब ये वाला पॉइंट पुट करके देख लो आप देखो आपकी इनइक्वालिटी ठीक होगी। मॉड के अंदर 0.5 पुट करो, 0.5 आ जाएगा। वाई के अंदर जब 0.5 पुट करोगे तो 0.5 ही होगा। 0.5 क्या होते हैं, 1, और 1 जो है वो लेस देन 1 तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब ये बात देखो ठीक है, ये पॉइंट जो है ना ये एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर आ रहा होगा, दैट्स व्हाई इसका आंसर 1 आ रहा है। अगर आप थोड़ा कम ले लो, फॉर एग्जाम्पल आप 0.5 ले लो, 0.25 और 0.5 के दरमियान में यहां पे कहीं आ रहा होगा, तो आप पुट करके देख लो, अब आपका आंसर आ रहा है 0.75 और डेफिनेटली 0.5 लेस देन 1 है। तो सीरीज़न में आप
कोई भी पॉइंट ले लो, इसी तरह आप फोर्थ में, थर्ड में, सेकंड में, कहीं भी पॉइंट ले लो, ये इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आपको बोला जाता कि ग्रेटर देन, यहां पे अगर इनइक्वालिटी में ग्रेटर आता तो आप जो रीजन शेड होता वो इसके ऊपर ऊपर होता, जितना ऊपर वाला रीजन है मतलब बाहर वाला रीजन जो है वो यहां पे शेड हो रहा होता, अगर आपके पास इनइक्वालिटी क्या आती ग्रेटर देन वन की। ठीक है, तो बच्चों आई गेस ये जो थॉमस कैलकुलस है ना, इसमें जो मुश्किल वाले सवाल थे वो मैंने सारे करवा दिए। अब बस दो मिनट में आप लोगों को मैं एक दो और सवाल करवा दूं और ये हमारा इनइक्वालिटी का पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। वो ये है कि बिल्कुल अगर आपको बोला जाए कि डिस्क्राइब करो इस रीजन के बारे में, मतलब बताओ कि रीजन क्या है, एग्जाम्पल है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर, बताओ ये रीजन क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों के बात बेसिक पता होगी, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर अगर आ जाए तो एक सर्किल की इक्वेशन होती है, ऐसे सर्किल की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है और जिसका रेडियस क्या होगा टू के बराबर होगा। तो आप सबसे पहले वो सर्किल बना दो, मतलब आप इसकी एसोसिएट इक्वेशन बनाओ, एसोसिएट इक्वेशन क्या ये वाली, तो ये क्या बनता है, एक सर्किल बनता है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, रेडियस उसका टू है, तो आप एक सर्किल बना दो उस टाइप का। ठीक है, अब आपके पास इनइक्वालिटी क्या थी, आई गेस लेस वाली थी ना, तो अगर लेस का आपको बोलेंगे तो सर्किल के अंदर आपने शेड कर देना, सर्किल के अंदर जितना भी रीजन है वो सब शेड हो जाएगा। इस सर्किल के अंदर आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो, उसकी एक्स वैल्यू का स्क्वायर, उसकी वाई वैल्यू का स्क्वायर डेफिनेटली लेस होगा फोर से। आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो, देख लो, जैसे एक पॉइंट यहां पर होगा वन 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 पुट करो आंसर टू आर होगा, टू डेफिनेटली लेस देन फोर। एक पॉइंट होगा 1.5 ले लो, वो भी आप ऑब्जर्व करोगे 1.5 इसके अंदर ही आ रहा होगा क्या, 1.5 तक में यहाँ पे होगा आई गेस, 1.5 इसके अंदर है नहीं है, देख लेना जो भी है आपको बेहतर, मैंने आप बता दिया आइडिया, आप जो भी इसके अंदर पॉइंट आ रहे होंगे ना उनकी एक्स और वाई वैल्यू का स्क्वायर करो ऐड करो वो डेफिनेटली लेस देन 4 होगा। अच्छा एक बात, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है दैट्स वाई आप इसको शेडेड बनाओगे, सॉरी डैश बनाओगे, ये ससुर को याद रखो, कभी कभी मैंने क्वाड्रेटिक के अंदर भी ऐसा किया नहीं है, डैश बनाया नहीं है तो मैं भूल जाता हूं, लेकिन सूर को याद रख लो जब इक्वालिटी नहीं है ना तो आपने डैश बनाना है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे कोई भी कर्व हो आपने डैश ही बनाना है उसको, तो इक्वालिटी नहीं थी तो डैश बनाया, यहां पे सब में इक्वालिटी मौजूद थी दैट्स व्हाई सॉलिड लाइन बनी हुई है, अगर इक्वालिटी ना होती मैं इधर भी डैश डैश बनाता सर, तो ये तो बेसिक असूल अपना याद रखो आप लोग। और इसी सर्किल की एक वेरिएशन आ सकती है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब है ये भी सर्किल, जिन स्टूडेंट के कॉनिक सेक्शन के कॉन्सेप्ट अच्छे वो बता सकते हैं यहाँ पे, कि मैं कॉनिक सेक्शन पे भी हल्के फुल्का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूंगा ताकि वो भी थोड़ा रिवाइज हो जाए या काम आ रही होती है चीजें। अगर आप सेंटर यहाँ पे निकालोगे ना तो सेंटर होगा -2, 0 के ऊपर, ये सेंटर आ रहा होगा, रेडियस तो अभी भी इसका 2 ही है, तो -2, 0 हम जरा बना लेते हैं, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ये बेसिकली, ये होगा फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो ये है -2, 0, तो ये आपके सर्किल का सेंटर है, सर्किल बहुत छोटा बनेगा यार, थोड़ा मैं दूर कर लेता हूं इस पॉइंट को, कंसीडर कर लो ये पॉइंट यहां पे है -2, 0। अब इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या होगा 2 यूनिट, तो ये सेंटर है, सेंटर से 2 यूनिट कहां पे होगा यहां पे आएगा, इसी तरह सेंटर से 2 यूनिट के यहां पे -4 के ऊपर आएगा, ये 0 है ये -4 है, दरमियान में सेंटर है, तो आपका सर्किल कुछ इस टाइप का बन रहा होगा। ठीक है, सेंटर -2, 0 रेडियस जो है वो यहाँ पे 2 है। अब रीजन कौन सा लिखा हुआ है, ग्रेटर लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई आप सर्किल के आउटसाइड वाला रीजन जो है वो शेड करोगे, इसके आउटसाइड आप जो भी पॉइंट पिक कर लो उसकी एक्स वैल्यू, उसकी एक्स को ऐड करो 2 के अंदर और फिर स्क्वायर करो और वाई को स्क्वायर करो, ऐड करोगे देखना डेफिनेटली ग्रेटर देन 4 आ रहा होगा। और अगर लेस होता, अब अगेन इक्वालिटी नहीं है तो आपने ये बनाना है, क्योंकि अगर आप सॉलिड बनाते इसका मतलब वो सॉल्यूशन है, अगर आप इस सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट पिक करोगे तो उसका जो आंसर है वो 4 के बराबर आ रहा होगा, जबकि आपको पता है 4 के बराबर नहीं आ सकता, ग्रेटर आना चाहिए 4 से, दैट्स व्हाई आपने यहां पे डैश डैश कर दिया इसको। बाकी ऊपर वाला रीजन है, अगर लेस देन वाला होता तो आप अंदर वाला इनसाइड वाला रीजन शिफ्ट करते। तो दैट्स इट बच्चों, इनइक्वालिटीज का पोर्शन डिटेल में हमने देख लिया, अब ये जो पोर्शन है हमारा खत्म हुआ है, अब इंशाल्लाह प्री कैलकुलस के अंदर हम जो फंक्शन का पोर्शन है उसको देखेंगे, फिर कुछ आप लोगों को कॉनिक सेक्शन के बारे में बता दूंगा, और फिर आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और फिर इंशाल्लाह कैलकुलस पे जाएंगे, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।